सवाल करना चाहता हूँ। एक ये है कि कांग्रेस, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है। ये तहरीक 138 साल पहले शुरू हुई थी। अभी 138 साल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 28 दिसंबर को, और 139 ईयर में चली जाएगी हमारी पार्टी, 139वें साल में चली जाएगी। तो इन 138 साल कंप्लीट होने पे कांग्रेस पार्टी ने ट्रांसपीरियंट फंडिंग पार्टी के लिए जो होती है उसके लिए जो है ट्रांसपीरियंट फंडिंग के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में हर बूथ से 138 रुपए से लेके 13,800 रुपए तक भर सकते हैं। मिनिमम उसमें 138 रुपए है, उसके बाद 1380 रुपए है और 13,800 लास्ट है। उससे आगे भी कोई बनना चाहता है, उसमें अदर लिखा है कि उससे आगे भी अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है ट्रांसपेरेंट पढ़ने के लिए। तो आपके माध्यम से हमारी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के लोगों से, और खासकर हमारे कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे है वो इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। 28 तारीख से वो इस ऑनलाइन फंडिंग का जो है उसकी शुरुआत करें, और हर बूथ से 138 से लेके 13,800 तक जो जिसकी मर्जी हो, जिसका ज्यादा पैसा जमा होता है वो उसमें डाल सकता है। इस बारे में हमने अपना सर्कुलर जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्टों में ब्लॉकों में भेज दिया है। पार्टी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप ऑनलाइन फंडिंग के लिए प्रयास करें। दूसरा, यहां पे मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि एक बड़ा मसला बन गया है जम्मू कश्मीर में। कंटिन्यूअसली हमारे जो फौजी हैं, हमारे आर्मी के पर्सनल जो है उन पे हमेशा कंटिन्यूअसली अटैक हो रहे हैं जम्मू कश्मीर, खासकर रजौरी पूंछ साइड। अभी पहले भी एक अटैक हुआ जिसमें 10 हमारे फौजी जवान शहीद हुए, कालाकोट में 3 हुए, उसके बाद 5 हुए, उसके बाद कुकड़नाग में हमारे कर्नल मेजर डीएसपी समेत 4-5 लोग वहां भी शहीद हुए, उसके बाद एसएचओ हमारे इंस्पेक्टर शहीद हुए श्रीनगर से। तो कंटिन्यूअसली किलिंग जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है, उसकी बड़ी तशवीश है। कांग्रेस पार्टी भी उससे बड़ी परेशान है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर का अमन जो है वो लौट आए, और यहाँ पे जो ये कंटिन्यूअसली किलिंग हो रही है ये बंद हो जाए, और ये जो फॉल्स क्लेम कंटिन्यूअसली बीजेपी हर स्टेट के इलेक्शन में हर स्टेज पे हर चैनल पे कह रहे हैं कि हमने जी कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, तो हम कहते हैं उनको क्लेम करने से पहले वो सही माने में हालात सुधारे। कल भी जो हमला हुआ तो पहला ट्वीट राहुल गांधी जी का आया उनपे, और हमें भी इस चीज से बड़ी परेशानी है कि ये हो क्या रहा। अभी भी हमने सुना है कहीं बोर्ड में आतंकवादी कोई प्रॉब्लम है वहां चल रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ के हालात सुधरे, और ये जो क्लेम बीजेपी पूरा डंडोरा पीट रही है हर स्टेट में, ये पीटना बंद करें। 134 साल से 1989 में यहाँ मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी, आज तक बहुत सी गवर्नमेंटें आई, जनता दल की आई, बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, दोबारा बीजेपी की आई, ये कभी मध्यम और कभी अप जो है मिलिटेंसी, लेकिन 35 साल से खत्म नहीं हुई 34-35। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ अमन आए, यहाँ के बाशिंदे जो है चैन और सुकून की जिंदगी गुजारें, और यहाँ के हालात ठीक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे सही मेजर्स उठाए। आपकी इंटेलिजेंस सारा फेलियर, आपका नेटवर्क फेलियर, तो हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है इसके लिए सही इकदाम उठाए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई हमारे फौजी जवान हो या सिविलियन हो किसी की जान न जाया हो, ये हमारा कंसर्न।